हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट हेल्प में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 49568 भर्ती की रिगार्डिंग ये बात है। तो फ्रेंड, यहाँ से बताया जा रहा था कि आपका अक्टूबर में फर्स्ट या तो लास्ट वीक में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे अक्टूबर की फर्स्ट वीक तो चला गया, लास्ट वीक बाकी फ्रेंड लेंगी। अभी तक कोई नोटिस या तो कोई न्यूज़ फ्रेंड नहीं आई है, क्योंकि रिजल्ट आने के पहले फ्रेंड कट ऑफ वगैरह लगाई जाती है, उसके 10 दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है या तो उसके पहले डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन फ्रेंड अभी तक यहाँ पर कोई नोटिस या तो कोई न्यूज़ नहीं आई। तो फ्रेंड मैं मान के चलता हूँ, क्या रिजल्ट आपका 7 नवंबर को आएगा? मतलब फ्रेंड मान के चलता हूँ कि क्या रिजल्ट आपका 7 नवंबर तक आ जाएगा। तो फ्रेंड इसमें इसी बीच में फ्रेंड एक पेपर कटिंग भी रिलीज हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि आपका रिजल्ट, आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया इसी साल पूरी करवा दी जाएगी। मतलब कि आपकी जो 49,000 पूरी, मतलब 49568 भर्ती है, उसको 2019 में पूरी प्रक्रिया करवा दिएगी। लेकिन फ्रेंड मुझे लगता नहीं इनसे हो पाएगा, ये पूरी प्रक्रिया करवा पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पेपर रिलीज पे आप कितना विश्वास करेंगे? आप कितने परसेंट पेपर, इस पेपर रिलीज पे कितना विश्वास करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं, ये देखिए, इसमें आप खुद ही पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ये योगी कल से संभालेंगे उत्तर प्रदेश का चुनावी मोर्चा, 3 दिन में 11 सभाएँ करेंगे। फ्रेंड ये साफ साफ लिखा है, 3 दिन में 11 सभाएँ करेंगे। मुझे लगता नहीं ये पूरी भर्ती प्रक्रिया इसी साल करवा देंगे, और रिजल्ट फ्रेंड ये लोग दे नहीं रहे हैं। ये हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर, योगी आदित्यनाथ, जो 3 दिन में 11 सभाएं फ्रेंड करेंगे यहाँ पे। मतलब कि उत्तर किसी स्टूडेंट, किसी वैकेंसी, किसी भर्ती से रिलेटेड इनको कोई न्यूज़ लगता है मिलती नहीं, ये लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ही नहीं। तो फ्रेंड इन पर कितना विश्वास करोगे? ये लोग पूरा एक साल में, पूरा मतलब इसी साल में 49568 भर्ती का पूरा प्रोसेस करवा देंगे। दौड़ है, डॉक्यूमेंट है, ज्वाइनिंग, सारी चीज़ कितने कैसे करवा सकते हैं? तो फ्रेंड अब उस न्यूज़ पे चलता हूँ जो न्यूज़ पेपर से रिलीज हुई थी। इसमें बताया गया था कि सिपाही भर्ती 2018 का रिजल्ट इसी महीने हो सकता है जारी। भर्ती बोर्ड ने दावा किया है कि इसी ओर से पूरा हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। तो फ्रेंड भर्ती बोर्ड ने दावा किया है, ये मतलब इस प्रेस रिलीज, लखनऊ के प्रेस रिलीज में बताया गया था कि भर्ती बोर्ड ने दावा किया है कि आपकी जो 49568 भर्ती है इसी ओर से पूरी प्रक्रिया का साफ साफ लिखा, पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। मतलब कि दौड़ से रिजल्ट से लेकर दौड़ ज्वाइनिंग तक पूरी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड ये लोग तो सभाएँ कर रहे हैं, सिर्फ 3-3 सभाएँ करेंगे, तब ये कैसे हो सकता है फ्रेंड? आप ही कमेंट करके मुझे बताइए कैसे हो सकता है, कैसे संभव है फ्रेंड ये? तब फ्रेंड मैं मान के चलता हूँ अगर आपका रिजल्ट आएगा तो 7 नवंबर तक आएगा। जितने लोग सहमत है कि आपका रिजल्ट 7 नवंबर तक आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड मैंने एक इससे पहले बताया था कि आपका रिजल्ट अगर 1 तारीख तक नहीं आता है तो आप सभी लोग इलाहाबाद आइए, वहाँ जनसभाएँ करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, मतलब जितने भी सरकारी वकील कोई किसी से बात करेंगे। तो 7 नवंबर तक फ्रेंड और वेट कर लीजिए, 1 तारीख तक नहीं, 7 नवंबर तक आपसे बोल रहा हूँ, 7 नवंबर के बाद आपको आना है। 7 नवंबर तक फ्रेंड आपकी कोई नोटिस निकलती तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे इलाहाबाद में, ठीक है फ्रेंड? तो यहाँ फ्रेंड इस प्रेस रिलीज को आप 100% ट्रू मत मानिए, क्योंकि फ्रेंड ये प्रेस रिलीज सिर्फ करवाई जाती है स्टूडेंट के संभावना के लिए। वो लोग साइलेंट में वो लोग कुछ करें ना कि आपका रिजल्ट आने वाला है, मतलब कि वो लोग सिर्फ आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप लोग देखिए रिजल्ट आने वाला है, आप शांत रहिए, आने वाला है रिजल्ट। मतलब फ्रेंड ये रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे मानना है फ्रेंड अगर ये रिजल्ट 7 नवंबर को नहीं आता है, 7 नवंबर तक नहीं आता है, फिर ये रिजल्ट 2020 के बाद ही फ्रेंड आ सकता है। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे योगी जी अभी देखिए उत्तर प्रदेश का चुनावी मोर्चा यहाँ पे संभालने जा रहे हैं, मतलब कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उसका चुनावी मोर्चा संभालने जा रहे हैं। तो ये कैसे फ्रेंड आपका रिजल्ट डिक्लेयर करवा देंगे? इनके पास कोई जाता है तो फ्रेंड इनको नोटिस ये फाड़ के फेंक देते हैं, तो मतलब कि कैसे कोई कुछ कर सकता है? तो आप सभी लोग पोलाइटी होके थोड़ा से 7 तारीख के बाद सभी लोग इलाहाबाद आना है, हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। तो फ्रेंड इसी रिलेटेड ये वीडियो थे, मैं सोचा आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, क्योंकि बहुत वीडियो बन रही है यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको सिर्फ बता रहे हैं, बहका रहे हैं, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, इस तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 नवंबर के बाद ही आपका रिजल्ट आने की संभावना है, 7 नवंबर के बाद ही फ्रेंड आपका रिजल्ट कोई आ सकता है। इस पेपर रिलीज पर फ्रेंड आप बिल्कुल विश्वास मत करिए कि पूरी भर्ती प्रक्रिया इसी साल करवा दी जाएगी। तो ये फर्स्ट वीक, लास्ट वीक अक्टूबर का था, ये सब फ्रेंड चला गया, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, इसी महीने में तो कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड, अक्टूबर के या लास्ट मतलब नवंबर में होगा जो होगा। तो फ्रेंड अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की पल पल अपडेट पाने के लिए। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो वीडियो फ्रेंड यहाँ पे मानते करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।